तो आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आपको सस्पेंस के साथ साथ थ्रिल भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको रोमकॉम भी देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की ही मूवी हिटमैन के बारे में, जिसकी कहानी है वो काफी तगड़ी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे हिटमैन की कहानी को दिखाया गया है जो कि एक्चुअली में हिटमैन नहीं है और वो दरअसल फेक हिटमैन बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पुलिस के साथ मिला हुआ है और उसका काम ही वही है कि वो फेक हिटमैन बनने की नाटक करे, जिसके बाद जो लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आ रहे हैं किसी को मारने के लिए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे और उसको पकड़वा दे। अब इसी वजह से इस मूवी की जो कहानी है वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि यार इस तरह की टॉपिक वाली कहानी आपको काफी कम देखने को मिलता है। हाँ, तो होता क्या है कि एक दिन क्या होता है कि उसको एक ऐसी लड़की मिलती है जो कि अपने पति के खिलाफ ही इसको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आती है कि ये उसके पति को मार दे। लेकिन होता क्या है कि इस बंदे को उससे हो जाता है प्यार और वो उसको समझाता है कि ऐसा करना गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद वो लड़की मान जाती है। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा होता है ना कि ये जो फेक हिटमैन है ना वो भी फंस जाता है, और इन दोनों का जो फंसने का सिचुएशन दिखाया गया है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है और साथ ही में काफी फनी भी है, जिसको देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करते हो। इसके अलावा मूवी की कहानी आपको स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी लगने लगती है। हाँ, ये हो सकता है कि बीच में आप कहीं पे थोड़ा बोर होने लगोगे, लेकिन इंटरवल के बाद वाला जो सीन है ना जहाँ पे लड़की इंट्रोड्यूस होती है और अपने हीरो जो है ना वो लड़की के प्यार में पड़ने लगता है, तो उसके बाद से ये कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। देखो, मैं आपको ज्यादा कुछ बताकर इस मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आप जब इस मूवी को देखोगे ना तब समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हाँ, इस मूवी की जो एंडिंग है ना वो थोड़ा अजीब है, और मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस मूवी का एंडिंग कुछ और होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों इस मूवी के जो मेकर्स है ना उन्होंने इस मूवी की एंडिंग को ऐसा रखा है, जिस वजह से हाँ कुछ लोगों को इस मूवी का जो एंडिंग है ना वो पसंद नहीं आएगी, जिसमें मैं भी हूँ। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है रियल लाइफ की, क्योंकि अगर जरूरी नहीं है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आप पकड़े ही जाओगे, कभी कभी गलत काम करने के बाद भी बहुत सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन मूवी में जो इसको दिखाया गया है ना वो एक अलग ही तरीका है और मैं उस तरीके का फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी में कुछ 18 प्लस जोक्स भी हैं और साथ ही में कुछ ऐसे सीन भी हैं जिनको आप फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करोगे, तो इसीलिए आप इस मूवी को अपने फैमिली के साथ तो देखना ही मत। इसके अलावा आप इस मूवी को देख लिया था, आप मुझे ये बताओ कि आप इस मूवी के एंडिंग से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हो और क्या आपने इस मूवी को देखकर एंजॉय किया था या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ मैं मूवी रिव्यू के साथ साथ नए नए मूवी का रिकमेंडेशन भी देता हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो आप भी द मूवी कल्चर के एक पार्ट बन जाओगे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।